हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल Poohforever। सो आज है डे वन ऑफ द 21 डेज लॉकडाउन जो बोला है पीएम मोदी ने। सो आज हम लगाने वाले हैं मेहंदी। बहुत दिनों से मुझे लगाना था मेहंदी बालों पे, एंड हु बेटर देन सागर। सागर बहुत मस्त मेहंदी लगाता है यार, मतलब एकदम प्रोफेशनल पार्लर जैसे। मुझे नहीं आता वैसा लगाने, तो ही नोज लाइक दैट। तो सागर लगाने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए कैसे लगाते हैं। मैंने तो या तो मैं भी देख लूँ ना सागर कैसे लगाते हैं, बिकॉज पीछे तो आंख नहीं दिखता नहीं मुझे कैसे लगाता है वो एक्जैक्टली। बट वो हर एक छोटे एक एक स्ट्रैंड्स में मेहंदी लगाता है, बहुत ज्यादा मस्त होता है। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है मेहंदी कैसे बनाते हैं हम लोग, एंड वो भी देखना आप। या तो सागर आज है एक्सपर्ट, हु इज गोइंग टू टेल अस हाउ टू डू। ओके, स्टंट्स आर परफॉर्म अंडर नॉट सो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्राई दिस एट होम। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ओपन कॉम माय हेयर। यस, बाल को पहले अच्छे से सीधा कर लो। मेरे बाल है जो हो गए एकदम ड्राई, गंदे बाल है उसे सीधा करके कॉम करके सीधा कर लो। या फर्स्ट यू नीड टू रिमूव ऑल द नॉट्स फ्रॉम योर हेयर। तो आपको बस आपके बालों को एकदम अच्छे से कॉम करना है और नॉट्स निकालना है, एंड आपको देना है फिर एक्सपर्ट के हाथों में, जो कि मैं एक्सपर्ट। अभी समर सीजन भी है तो के लिए चाहिए कॉम। कॉम कॉम मतलब ये लगाने के ब्रश लिए है, ब्रश सॉरी, और दैट्स इट। और कुछ जरूरत नहीं है, और ग्लव्स प्लास्टिक वाले जो मेरे पास है, क्योंकि हाथ अगर आपके हाथों में मेहंदी लग जाएगी तो फिर जल्दी जाएगी नहीं। सो बेटर यू शुड टेक ऑल दिस थिंग्स, बस तोड़ मत दे बाल। तो बाल अभी समर सीजन है तो बाल बहुत रफ हो जाते हैं, बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ और इससे मेरे बाल में जान आ जाती है। मेहंदी लगाना चाहिए, मैं भी लगाऊंगा इसके बाद। गुड कंडीशनर, यस। मैंने आपको बोला था ना, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं होता, सबको अपना स्किन हेयर ख्याल रखना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। चलिए, तो ये रहे ग्लव्स प्लास्टिक के, आपको कोई भी ब्यूटी शॉप में मिलेंगे, स्पेशली फॉर अप्लाइंग मेहंदी और आपको कुछ क्रिएट हेयर कलरिंग वगैरह। ये कुछ हमें मिला था कुछ 45 रुपीज में, बहुत सारे पेयर थे इसमें, 50 पेयर या ऐसे कुछ होते, इसको मैं भी पहन लूंगा वरना मेरे हाथ पूरे ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। डिस्पोजेबल है ये और आप यूज भी कर सकते हैं, बट बहुत पतले हैं तो फट जाएंगे। तो ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, आई एम रेडी, आ जाओ। मोहतरमा आ गई है और मैं हूँ इसकी आज की क्लाइंट, क्लाइंट हूँ मैं आज इसकी। तो मैं जैसे लगाने वाला हूँ मेहंदी, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इससे आप एक चीज़ का आपको ये रहेगा कि ईच एंड एवरी स्ट्रैंड जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आप उस पर लगा रहे हो, या तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे आप लगाओगे तो बराबर बैठेगा नहीं। इसके लिए ये मैंने सीखा था, मेरी नानी मम्मी सब ऐसे लगाते थे, तो मैं देख देख के मेरे को थोड़ा बहुत याद है जितना मैं यूज़ करता हूँ ऐसा। तो सिंपल है, जैसे मेहंदी है ब्रश से भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो हाथ से भी इसमें लगा सकते हो। जैसा आपने एक कोई भी एक स्टैंड ऐसा अगर आपने पिक कर लिया इतना, ठीक है, तो आपको पहले बेस से चालू करना है, यहाँ से आप लगाइए पूरा, यहाँ से पूरा ऊपर तक एंड तक लगाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरफ ऐसे इसी जगह पर ऐसा रोल करके आपको इसको बिठाना है, ठीक है, क्योंकि मेहंदी है तो वो बैठ जाएगी। फिर आप दूसरा स्टैंड लीजिए, उसको भी वैसे बेस पे लगाइए, बेस पे स्टार्ट करके इसको भी ऐसे रोल करके ऐसे बिठाना है। वैसे एक 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 थोड़ा सा बड़े बड़े स्टैंड लीजिए, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बेस पे लगा के इसको भी ऐसे घुमाना है, तो ऐसे घुमाते घुमाते आप पूरे बाल को कवर कर लेंगे, एंड ये एक तरह से ऐसा एक माउंटेन टाइप बन जाएगा और वो एक जगह पे कॉम्पैक्ट रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे लंबे रखोगे तो फुल लंबे रखने पड़ेंगे और फिर वो मेहंदी ड्रिप भी हो सकती है और
सब जगह नई भी लगती है, तो ऐसे करोगे तो एक जगह पे कॉम्पैक्ट भी रहेगा, तो यू कैन कीप इट फॉर मोर टाइम है आपने। फिर शावर कैप लगा लिया देन यू कैन कीप इट फॉर मोर टाइम, तो वो ड्रिप भी नहीं होगी ज़्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा थोड़ा लगा लें। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप बाल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बीच में से, सो इट इज मोर इजियर। जैसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये देखिए। ओके, तो मैंने बाल दो पार्ट में डिवाइड कर लिए है और अभी मैं आगे से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं राइट हैंड साइड से आगे से बाल से स्टार्ट करूंगा। ये मैंने स्टैंड पिकअप कर लिया है, तो इसको मैं पहले बेस पे लगाऊंगा, फिर इसको मैं उधर ही टर्न करूंगा, घुमाऊंगा। अच्छा लगा। पीछे तो ये मैंने बेस पे लगा लिया मेहंदी, अब मैं ऊपर ऊपर आऊंगा इसको लेकर। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया बेस पे लगाने, मैंने बेस पे लगा दिया है, अब मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा हूं और मैं इसको धीरे धीरे पूरे ऊपर तक लगाऊंगा। ब्रश से लगाने में ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैं अभी हाथ से लगाने स्टार्ट करूंगा क्योंकि इट इज इजी एंड आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, और अगर आपके पास ग्लव्स है तो इट इज इजी फॉर यू टू यूज योर हैंड्स, और हाथ से आप इजीली लगा भी सकते हो, ब्रश से आपको उतना परफेक्शन नहीं आएगा। तो ये मैं ऊपर तक इसको ले रहा हूं पूरा, ऐसे मैं पूरा ऊपर स्टैंड पूरा एंड तक जा रहा हूं। पीछे तो ये मैं पूरा इसको कब ये एक स्टैंड मैंने पूरा लगा दिया है, वैसे ही मैं दूसरे साइड का स्टैंड भी एक लगा दूंगा, देन आई विल टर्न इट अराउंड, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बेस, पीछे, नीचे से लगाते आएंगे तो इजी पड़ेगा, ऊपर से लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ऐसे। तो ये मैंने ये एक और स्टैंड पूरा लेफ्ट साइड का भी लगा दिया है। नाउ आई विल टर्न दिस अराउंड ओवर हियर ओनली, थोड़ा सा नीचे भी लगा लूं। ओके, मुंडे पीछे कर, तो इसको मैं अभी ऐसे टर्न कर रहा हूं जैसे मैंने पहले बताया था, और टर्न करते करते भी आपको थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगानी है ताकि ये यहीं पे स्टिक हो जाए, वरना ये रुकेगी नहीं और ये फिर ये आपका जो स्टैंड है ये नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको अभी ऐसे लगा के ऐसे टर्न कर दिया, अभी मैं इसको वापस ऐसे टर्न कर रहा हूँ, ये ऐसे मैंने इसको अभी टर्न कर लिया। अब ये थोड़ा चिपक गया, इसके ऊपर मैं और मेहंदी लगा के इसको एक ही जगह पर आई विल फिक्स इट।
The same way I'm going to do it on the other side, right hand side also. The one which I've already applied, this right hand strand, I will turn it around, the opposite side, like this. I will place it over this and then I will apply some mehndi above it so that it doesn't come off. तो ये मैंने एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आपको बता दिया है. तो ऐसे एक 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 करके आपको एक एक स्ट्रैंड उठा के इसको लगाते जाना है एंड देन यू हैव टू टर्न इट अराउंड एंड यू हैव टू पुट इट ऑन द टॉप सो दैट इट स्टिक्स टू वन प्लेस ओनली. रिमेंबर ऑलवेज दैट फर्स्ट अप्लाई इट ऑन द बेस देन स्टार्ट फ्रॉम डाउन टू अप, अदरवाइज नीचे का लगेगा नहीं फिर ऊपर का लगाए कुछ फायदा नहीं क्योंकि बेस तो रूट तो नीचे ही है तो रूट से आपको स्टार्ट करना. सो आई विल मूव ऑन टू द अदर साइड नाउ. So guys, mehndi lag gayi hai. This is how I'm looking right now, like a boy. So it took almost 45 minutes for Sagar to apply, and this is Sagar. Abhi Sagar ki baari hai. He's going to apply it. Maine lagaungi because obviously uske haathon mein already gloves sab hai, so he's going to apply. Dekhiye mera haath kaise lal ho gaya. Just maine thoda touch kiya. So ye main rakhne wali hu around 2 hours, 2 to 1 and a half hours. Sagar, please aawaz mat kijiye. तो 2.5 to 2 hours रखूंगी. एंड प्लीज आप हमेशा याद रखना कि वेयर दिस शावर कैप, ऑलवेज वेयर शावर कैप, डू नॉट लीव योर हेयर ओपन बिकॉज उससे आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाएंगे. ऐसे अप्लाई करके रखिए तो वो गीला रहेगा, इसीलिए ऐसे अप्लाई ऐसे रखिए. एंड डू नॉट यूज वाटर, सॉरी डू नॉट यूज वाटर, यूज ओनली वाटर टू वॉश योर हेयर, डू नॉट यूज शैम्पू बिकॉज आपके जितने आपने सब मेहंदी अप्लाई किया उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा आपको. जस्ट अप्लाई यूज वॉटर टू वॉश योर हेयर एंड टुमारो यू यूज शैम्पू. ठीक है, दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे. या आफ्टर अप्लाइंग ऑयल ऑब्वियसली. सो आज के दिन 2 घंटे रख के इसे नॉर्मल पानी से धोइए एंड उसके बाद आप ऑयल लगाइए एंड कल शैम्पू से धोइए, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे. सो गाइस, दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे एंड इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll be back with some other channel. With some other video. Till then, bye bye and I love you all. Bye.